क्या इलेक्शन हुए तो मैं कराची जाऊंगी वोट देने, क्योंकि मेरा मुंह कराची का। किसको वोट डालने जाना है तुमने कराची? इमरान। इतनी दूर जलील होने, ऐसे जलील इंसान को वोट डालने जाना है? कोई जलील नहीं है, लीडर है, लीडरों के रानी सारे लंदन पाकर। तभी बंद हुआ है बेचारा। हां तभी तो बंद हुआ है। सारे यूथियों के साथ तुम्हारे वाली हालत है। कहां रहता था उसके साथ यही हुआ। सही से बोलेगा पानी नहीं पूछा, इसी कपड़े क्या हुए? खराब हो गए थे। खराब हो गए कैसे? खराब नहीं हुए थे, पानी से आ गया था। पानी कहाँ से आया? वो टोकरी में पानी पी लिया था, भैया ने धक्का मारा, सीधा मेरे मुंह पे साला उछल के आया पानी। फिर आपने भाई की पिटाई लगाई? नहीं। मम्मा को बताया तो अच्छा। सीधा अंबरखाला के मुंह पे चले गई थी। अंबरखाला के घर चले गए थे? फिर हम अंबरखाला के घर, उस अंबरखाला के सिर पे से बर्फ सिर पे थी। तो मैं बाद में नहीं, यहाँ रख लेना अपने पास। नहीं बस सही है। आज मम्मा को केला भेजेंगे। नहीं नहीं। हाँ सही है। नहीं ठंड जाना था मैंने। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैर से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो जनाब कल आपने देखा हमारे साथ क्या हुआ, कितना बुरा हुआ, और एक इतनी सी गफलत और गलती की वजह से हमारा 15,000 का बिल चला गया 17,000 पे। ये है वैसे काम मेरे मियाँ साहब करते हैं, और इनकी सही की फिर बाद में मैंने और अम्मी ने की तफरी ली, इनकी सही की। कितनी बिस्कीन शक्ल कल के मेरे थंबनेल पे भी थी। खैर हमने बाद में खूब हंसी मजाक भी किया, थोड़ी हमने इनकी क्लास भी ली, फिर बाद में हम लोग हंस भी रहे थे। हो जाता है ज़िंदगी में, हमारे साथ भी इस तरह से होता है। तो खैर आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। शाम हो चुकी है और आज मैं अपनी सास के साथ अपना व्लॉग बनाऊंगी। कैसे वो आप लोगों के साथ अभी शेयर करेंगे थोड़ी देर में। बड़ी प्यारी प्यारी हम ज़बरदस्त किस्म की बातें करेंगे सास बहू बैठ के आप लोगों के सामने। मैं कह रही थी कि मैं आप लोगों की मुलाकात करवाऊंगी अपनी मदर इन लॉ से। हम थोड़ी उनसे बातें करेंगे, क्योंकि बेसिकली मेरी जो मदर इन लॉ है वो है इंडिया से। वो वहीं पैदा हुई, वहीं जवान हुई, वहीं उन्होंने पढ़ाई चढ़ाई जो भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी है, जवानी का जितना शादी से पहले का जो टाइम उन्होंने इंडिया में गुजारा, उसके बाद वो शादी होकर पाकिस्तान में, यानी वो पाकिस्तान में माइग्रेट होकर आई थी तरह से। तो इंडिया के बारे में उन्हें बहुत कुछ पता है, माशाल्लाह आती जाती भी रही हैं। कुछ अरसे से बॉर्डर्स बंद हैं, उनको वो नहीं आ जा पा रही, लेकिन इंडिया के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है। अपने बचपन की, अपनी उस वक्त की इंडिया पाकिस्तान की, हमें बड़े मजे मजे की बातें बताती हैं। तो मैंने कहा कि उन चीज़ों को आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो आज मैंने अपनी मदर इन लॉ को रेडी करके बिठा दिया है। मैं उनसे कुछ बातें पूछती जाऊँगी, वो बताएंगी कि इंडिया कैसा है, उनका टाइम कैसे गुजरा। जी अम्मी आप बताएं अपने बारे में, बचपन के बारे में। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपकी जो पैदाइश है आपको पता है कब की है? मेरी पैदाइश 1947 की। 1947 की? जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी और पाकिस्तान की उम्र एक है। हाँ 76 साल की होगी यानी। हाँ जी सही। तो अम्मी आप अपनी फैमिली के बारे में बताएं, कौन कौन था आपकी फैमिली में? आप इंडिया में रहते कहाँ थे आप? हम दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में अभी भी रहते हैं। सारा ख़ानदान हमारा वहीं है। दिल्ली से शादी होकर पाकिस्तान आए। अच्छा। 20 साल की उम्र थी मेरी इस वक्त जब मेरी शादी हुई है। अच्छा। इससे पहले पाकिस्तान ना कभी देखा था, ना कभी स्टेशन देखा था। शादी के बाद ही पाकिस्तान आए, तभी ट्रेन देखी, जब स्टेशन देखा। बहुत हमारे घरों में पर्दा था, ख़वातीन को बाहर निकलने दिया नहीं जाता था। घर की हदूद तक रहते थे, पढ़ना लिखना भी घर में ही होता था। जो पढ़ना है लिखना है, कुरान पाक पढ़ना है, नमाज, वो बुजुर्ग थे वो हमें पढ़ाते थे। अच्छा। उनसे हम पढ़ते थे। बाकी जो कुछ होता था हमारा लेना देना वो हमारे वालिदैन किया करते थे। बाज़ार से जाने का हमें कोई हुक्म नहीं था कि हम बाहर निकलें या जाएँ आएँ। हत्ता कि हमारे घर में कपड़े वाला घर पर आता था। अच्छा। हमारी वालदा, हमारी चचियाँ ताइयाँ जो बड़ी होती थी वो लेके हमें ला के कपड़ा दिखाया करती, उसको हम पसंद करते थे, वो हमें लेके दे दिया करती थी। इसी तरह अगर ईद वगैरह आ जाए, शब कदर पर भी हम चूड़ियाँ, बच्चे वहाँ हिंदुस्तान में बहुत रिवाज है, अब भी है चूड़ी मेहंदी के, वो बहुत कायल हैं, बहुत पहनते हैं लोग। तो हम भी उस ज़माने में पहना करते थे। तो वो हमारे घर में चूड़ी वाला घर पर आया करता था, ये देखें कि चारपाई खड़ी करते थे चारपाई खड़ी करके उस पर एक चादर डाली जाती थी, पर्दा हो जाता था और उसके अंदर से जो पैंतियाँ होती हैं ना उसमें से हाथ निकाल के चूड़ी पहनते थे। इस तरह चूड़ी वाला चूड़ियाँ पहना के जाया करता था और मर्द बोलने की इजाज़त नहीं थी कि बोला जाए। उन भरा पूरा घर था, मैं तो अकेली थी, मेरी वालदा मैं 3 साल की थी, 3 माह की थी तो मेरी वालदा का इंतकाल हो गया था। तो मुझे तो मेरी फुफी ने पाला, वालिद ने शादी, हाँ 3 माह की थी मैं तो मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। वालिद ने दूसरी शादी कर दी थी, लेकिन माशाल्लाह ज्वाइंट फैमिली थी, 7 चचा थे, दादा दादी थी, 4 फुफियाँ थी, हम सबकी आँखों का तारा थे, सब हमें बड़े प्यार से रखा करते थे। हमारे एक मानी सारी माओं ने हमें बहुत प्यार से पाला। अच्छा, बहुत खुलूस से आज तक वो प्यार मौजूद है। अब भी हम जाएं तो बुजुर्ग नहीं रहे हमारे, लेकिन आपने देखा होगा कि जितने लोग अभी भी जितने भी फ़ोन आते हैं बाजी के सिवा दूसरी बात नहीं होती। चले जाएँ तो हाथों पे रखते हैं, आने का देने का नाम नहीं लेते। तो हमारे ख़ानदान की ये रवायतें थी, ये मोहब्बतें थी। फिर हमने और बताया आपकी वालदा के इंतकाल के बाद फिर कैसे कि ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी। वालिद साहब भी बहुत प्यार किया करते थे। दूसरी वालदा थी हमारी, उनके माशाल्लाह बच्चे कोई 8-9 बच्चे हुए, बहन भाई हैं, लेकिन मैं एक अकेली थी। गंधों में काने राजा होते हैं, मेरा प्यार सबके लिए एक अनोखा प्यार था। मेरे दादा दादी से लेके मेरी फुफियाँ, मेरे चचा चची सब मुझसे इतना प्यार रखते थे कि वालदा भी क्या करेंगे। और वालिद साहब का भी बहुत ज़्यादा था। फिर हुआ ये कि भाई हम बड़े होते गए और हमारी शादी हो गई पाकिस्तान में। तो हमारे दादा शादी पे रजामंद नहीं थे, कहते थे मेरे 500 आदमियों के कुंबे में से एक बच्ची मैं नहीं दूंगा। लेकिन ताल्लुक़ था, रिश्तेदारी में शादी हुई थी, मामू के यहाँ हुई थी। ये शादी मेरे दादा ने, मेरी दादी ने और मेरे चचा ने की थी, उनकी रजामंदी से हुई थी। कि चचा यहाँ हमारी नुमानी को ज़बान दे गए थे, दादी रो रही थी कि नहीं मैंने शादी करनी है। इस तरीके से पाकिस्तान में शादी हुई। अच्छा, एक तो हमें ये बताएं कि जब आपकी पाकिस्तान में शादी, पाकिस्तान आपने शादी के बाद फर्स्ट टाइम देखा? फर्स्ट टाइम देखा, ट्रेन फर्स्ट टाइम देखी। पाकिस्तान तो बहुत बड़ा है, हमारे घर से तो बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। कंपेयर इंडिया और पाकिस्तान में, इंडिया बेस्ट है या पाकिस्तान बेस्ट है मुसलमानों के लिए? आपने मुसलमानों के हवाले से देखा तो पाकिस्तान बेस्ट है, क्योंकि मुसलमान एक यहाँ नज़र आता है, मुसलमानों का एक अलग खिता है। वैसे इंडिया भी बहुत अच्छा है, उस दौर में तो बहुत ही अच्छा था जब हम छोटे हुआ करते थे। आपके हालात का पता नहीं, दुनिया बदल गई है, वहाँ भी माहौल बदल गया। जब हिंदू मुस्लिम में इतना वो नहीं था, बराबर रहते थे, मिलते थे जुलते थे। हम दोस्तियाँ भी थी हमारी उनकी बच्चियों से, आना जाना सब होता था, लेकिन कोई हिंदू मुस्लिम का था। लेकिन पाकिस्तान का जो माहौल था वो एक अलग ही माहौल था। मुझे पाकिस्तान का माहौल बहुत ज़्यादा पसंद था, बहुत साफ़ सुथरा माहौल था इंडिया के मुकाबले पर। तो मुझे तो शुरू से मैंने पाकिस्तान को बहुत पसंद किया और मुझे फ़र्क यहाँ से जाके वहाँ महसूस होता है। क्या फ़र्क हमें आपको महसूस होता है? आप यहाँ से वहाँ जाती हैं तो क्या आपको लगता है कि ये पराया लगता है या वो पराया मुल्क लगता है? नहीं, वो पराया मुल्क लगता है, ये अपना लगता है आपको। हाँ, जब से आए जब से वो पराया, ये अपना हो गया। अच्छा, मैंने शुरू से ही पाकिस्तान को पसंद किया और मैंने जिस तरह फिर यहाँ वक्त गुजारा वो बिल्कुल तन्हा थी, मैं अकेली थी, इतने बड़े ख़ानदान से आई थी। मैंने फिर माशाल्लाह मेरी ससुराल 20 आदमियों की फैमिली थी, भरा हुआ घर था। इतने फैमिली को फेस करना, सास बहुत अच्छी थी, नन भी अच्छी थी, उन्हें मेरे मुतालिक पता भी था कि भाई ये ऐसी है जिस तरह, तो वो भी बड़ा ख्याल रखती थी इस चीज़ का। कभी हमारे घर में कोई कहन सुन ना, सास ससुर, हमें नहीं पता चलता कि सासें कैसी होती हैं, या कभी डांट या डबक, कोई नहीं। इस चीज़ का हमारी सास हमारा बहुत ख्याल रखती थी, सास भी रखती थी, फिर नंद भी हमारी एक ही एक थी, वो भी हमारे लिए माँ जैसी थी, बहुत ख्याल रखती थी हमारा। अम्मी के साथ सेशन बहुत ज़बरदस्त रहा, अम्मी की बातें बहुत मज़े की हैं। हम तो बहुत सारी बातें सुनते हैं, तो अभी चंद बातें आप लोगों ने सुनी हैं। मैं इस तरह के सेशन अपनी मदर इन लॉ के साथ रखा करूँगी, कोई काम करते हुए हम उनसे इस तरह की बातें ज़रूर पूछेंगे। इंडिया पाकिस्तान में क्या है, किस तरह, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे और वहाँ पे प्राइसेस का बहुत डिफरेंस है, वो भी अम्मी से पूछेंगे। हम अपने किसी व्लॉग में इस तरह का सेशन रखेंगे। तो बड़ा अच्छा रहा, बड़ा मज़ा आया, मुझे तो बहुत एंजॉय किया मैंने। और आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी क्या कहते हैं जो चैनल का लिंक है उसको आगे भी शेयर करें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर नए व्लॉग के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।